नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों के खाते में 23 फरवरी तक मासिक भत्ते का होगा भुगतान। सरकार ने जारी किए 72,32,00,000 रुपए। 23 फरवरी तक बिहार के सभी पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को मासिक भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। इसे लेकर सरकार द्वारा 72,32,00,000 रुपए जिलों को भेजा गया है। पंचायती राज विभाग ने सभी उप विकास आयुक्त, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को 23 फरवरी तक मासिक भत्ता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमंडल प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड सदस्य, ग्राम कचहरी के पंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों के अकाउंट में मासिक भत्ते का राशि ट्रांसफर की जाएगी। बिहार में आज मिले 2768 नए कोरोना मरीज, पटना में 424 नए मामले। पिछले 24 घंटे में बिहार में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। आज बिहार में 2768 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, वहीं पटना में 424 नए केसेस मिले हैं। पिछले दिनों की तुलना में आज भी कोरोना केसेस कम मिले हैं। कल जहां बिहार में कुल 3003 मामले सामने आए थे, वहीं आज 2768 मामले मिले हैं। कल की तुलना में आज बिहार में 235 केसेस कम आए हैं। वहीं पटना में शनिवार को 544 मामले थे, जो आज घटकर 424 हो गए हैं। कल की तुलना में 120 केसेस आज पटना में कम मिले हैं। वहीं बिहार में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस भी घटकर आज 17,848 हो गई है, जबकि शनिवार को एक्टिव मरीजों की संख्या 19,578 थी। बता दें कि 22 जनवरी को बिहार में 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। बिहार में एक्टिव मामलों में भी कमी आई है। कोरोना टेस्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ बुलेटिन जारी की है। बिहार में अस्पताल के कचरे में मिला कोरोना का वैक्सीन, वीडियो वायरल हुआ तो स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। बक्सर जिले के रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैंपस के कचरे के बीच कोरोना की वैक्सीन बरामद होने के बाद स्वास्थ्य विभाग महकमे में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के बाहर कचरे के ढेर से कई वैक्सीन होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो के सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन के सिस्टम पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूलने लगे। आनन फानन में स्वास्थ्य केंद्र के हेल्थ मैनेजर विनोद कुमार ने मौके पर पहुंचकर सभी वैक्सीन को एकत्र कर जांच में जुट गए। उन्होंने बताया कि वैक्सीन मामले की जांच की जाएगी, जो भी स्वास्थ्यकर्मी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर इस बाबत पूछे जाने पर बक्सर सिविल सर्जन जितेंद्र नाथ ने कहा कि इस तरह का मामला उनके भी संज्ञान में आया है और इसकी जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है और जांच भी शुरू कर दी गई है। जांच के बाद रिपोर्ट आते ही जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना निगेटिव होने के बाद सीएम नीतीश पहली बार आए नजर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दी श्रद्धांजलि। कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमित होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले दिनों नीतीश कुमार की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना निगेटिव होने के बाद सीएम नीतीश कुमार पहली बार नजर आए हैं। बीते रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट की चपेट में आ गए थे। राहत की बात यह रही कि उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। सीएम के बीते 1 जनवरी से 11 जनवरी के बीच लिए गए कोरोना संक्रमितों के सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग में सभी सैंपलों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाए गए। आईजीआईएमएस की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, आईजीआईएमएस के निदेशक डॉक्टर एनआर विश्वास, पटना कोर्ट के जस्टिस विकास जैन सहित सभी 40 सैंपलों की जाँच कराई गई थी। इनमें सभी में ओमिक्रॉन वेरियंट की पुष्टि की गई। राहत की बात यह रही कि सीएम के जारी स्वास्थ्य बुलेटिन में उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। पटना में चला सघन वाहन जांच अभियान, हुंडई कार से 10 कार्टन शराब बरामद, नशे में धुत बाइक सवार भी गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस को लेकर संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। 3 दिनों तक पूरा बिहार स्पेशल अलर्ट पर है। इसी के मद्देनजर आज पटना के कई जगहों पर वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान पुलिस ने 2 थाना क्षेत्र में शराब भी बरामद किया है। पुलिस ने एक हुंडई कार से 10 कार्टन शराब बरामद किया, तो वहीं नशे में धुत बाइक सवार को भी गिरफ्तार किया गया। बाइक सवार के पास 0.5 लीटर देसी शराब बरामद किया गया है। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो के निर्देश पर कई इलाकों में आज देर शाम
जगह जगह गाड़ियों को रोका गया और जांच की गई। पटना के एसकेपुरी इलाके में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान द्वारिका मंदिर के पास एक हुंडई कार खड़ी मिली। कार के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। जब कार को पुलिस ने खंगाला, उसके अंदर से 10 कार्टन शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपये बताई जा रही है। कार के नंबर के आधार पर पुलिस कार ऑनर से संपर्क करने में जुटी है। पुलिस को इस बात का पता चला कि कार में मिली शराब को पटना में सप्लाई करने की योजना थी। मुश्किल में पड़ेंगे परीक्षा में नकल करने वाले स्टूडेंट्स, हर सेंटर पर लगेगा सीसीटीवी कैमरा। बिहार बोर्ड फरवरी महीने में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। इस बार परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में आयोजित होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित कराने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। वहीं परीक्षा केंद्रों पर किसी भी तरह की गलत हरकत करने वाले भी दबोचे जाएंगे। एग्जाम सेंटर के पिछले और बाहरी हिस्से में वीडियोग्राफी की व्यवस्था कराई जाएगी। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 1 से 24 फरवरी के बीच लेने वाला है। कदाचार मुक्त परीक्षा लेने के लिए इस बार खास तैयारी की जा रही है। बिहार में कई ऐसे सेंटर विवाद में आते हैं जहां नकल धड़ल्ले से कराए जाते हैं। एग्जाम में इस तरह की लापरवाही सामने नहीं आए, इसे लेकर अब सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जाएगी ताकि नकल करने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। वहीं परीक्षा केंद्रों के बाहर से किसी तरह की परीक्षा को प्रभावित करने का प्रयास किया गया तो सेंटर के बाहर भी कार्रवाई के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। आपकी रसोई तक पहुंचेगा अब जीविका दीदी का हल्दी पाउडर। इन उत्पादों को बाजार में लाने की बन रही है योजना। जी हां, अब लोगों के किचन तक जीविका दीदी की हल्दी पहुंचेगी। जीविका दीदियों द्वारा तैयार हल्दी पाउडर का शनिवार को समारोह पूर्वक प्रमोशन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने दीदियों को कार्यों के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज गौरव का दिन है। जीविका दीदियों के परिश्रम का परिणाम है कि उनके पहले उत्पादन का प्रमोशन किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस हल्दी पाउडर को बिहार के हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 3 माह के भीतर हल्दी पाउडर के साथ अन्य उत्पादों को बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जीविका दीदियों से डीएम ने कहा कि वह यहीं रुके नहीं, अपने उत्पादन को बढ़ाएं जिससे अधिक लाभ मिल सके। डीएम ने कहा कि जीविका दीदियों के ऊपर समाज में सकारात्मक बदलाव का दायित्व है। जीविका दीदियों ने कई मौके पर इसे साबित भी किया है। उन्होंने दीदियों का हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार का सारा विभाग आपके सहयोग में हमेशा तत्पर है। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने कहा है कि जीविका दीदियों के संघर्ष की कहानियां सर्वविदित है। जीविका दीदियों ने छोटे छोटे प्रयासों से बेहतर परिणाम दिया है। बिहार में अगले 48 घंटे बारिश को लेकर अलर्ट, जाने ठंड और चक्रवात के बारे में। बिहार में अगले 48 घंटे हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। जहानाबाद, नवादा, भोजपुर और सारण में ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जारी किया गया है। 23 जनवरी की रात से लेकर 25 जनवरी बिहार में लगातार होने वाली बारिश और बादलों के छाए रहने की वजह से रात के पारे में इजाफा और दिन के पारे में कमी बरकरार रहेगी। IMD की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रदेश में दो ट्रफ लाइन मसलन उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिमी गुजर रही है। वहीं बिहार में चक्रवात भी प्रभावी है। पश्चिमी विक्षोभ भी इस सक्रियता से सबसे ज्यादा संकट पुरवैया और पछिया हवाओं के मिलने से हुआ है। इस पूरी मौसमी दशाओं में देश दक्षिणी मध्य बिहार के अधिकतम स्थानों पर उल्लेखनीय बारिश हुई है। बिहार में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे हैं होम टेस्टिंग किट, जांच रिपोर्ट को लेकर स्वास्थ्य विभाग का बड़ा बयान। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े तो कोविड टेस्ट में भी सरकार ने रफ्तार तेज कर दी। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बिहार में लोग होम टेस्टिंग किट का भी इस्तेमाल काफी अधिक कर रहे हैं। इस किट को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस किट से जांच के बाद रिपोर्ट की कानूनी वैधता को लेकर सरकार का पक्ष रखा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कोरोना जांच के लिए तैयार किए गए होम टेस्टिंग किट को ICMR ने अप्रूव किया है। इससे कोई भी व्यक्ति अपनी जांच कर सकता है। बिहार के मिडिल स्कूल भवन में फर्जी BED संस्थान चलाए जाने का मामला, राज्य सरकार को 48 घंटे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश। पटना हाईकोर्ट ने पूर्वी चंपारण के ढाका अंतर्गत तेलहारा खुर्द गांव के एक मिडिल स्कूल भवन में एक फर्जी BED संस्थान चलाने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 48 घंटे में कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। विद्या देवी की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की है। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने
बार अंबेडकर विश्वविद्यालय से जवाब तलब करते हुए बताने को कहा है कि ऐसे मामले में इस बीएड कॉलेज को कैसे मान्यता दे दी गई। इस मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने एडवोकेट इति सुमन को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करते हुए स्थल का निरीक्षण कर कोर्ट को वास्तु स्थिति की जानकारी देने का अनुरोध किया था, जिसके बाद एडवोकेट इति सुमन ने कोर्ट को रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उक्त गांव में कोई इंजीनियर उपेंद्र शर्मा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का कोई भवन नहीं। स्थानीय ग्रामीणों ने इस नाम के किसी संस्था के होने के बारे में अनभिज्ञता जताई है। इस गांव में केवल एक मिडिल स्कूल ही चलता है। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।